फ्रेंड्स, ये मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और ये इतिहास का 24वां वीडियो है और बहुत ही विस्तृत व्यापक गहन अध्ययन हो रहा है। तो हम लोग अकबर की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, और हाँ, जो नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकबर से रिलेटेड। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? 5 सेकंड में उत्तर करें। अहमद यादगार। अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार क्या है? पेटीकोट शासन या पर्दा शासन क्या है? 1562 ईस्वी से पूर्व अकबर के शासन को हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहने के कारण 1562 ईस्वी के पूर्व हरम की स्त्रियों का प्रभाव अधिक था, इसलिए उसे पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से लाहौर कब ले गया? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 1585। और एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए अकबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मैं आपको बताता हूं, सत्य कथन। पंद्रह में अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1583 में अकबर ने नया कैलेंडर इलाही सनवत जारी किया। 83 में 1582 में सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में नवीन धर्म दीने इलाही की घोषणा की। 82 में और अगस्त 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की। महजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको मिलाना है अकबर का, एक तरफ है दास प्रथा की समाप्ति, हरम दल के प्रभाव से मुक्ति। तो चलिए देखते हैं, तो दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने कब की? 1562 में दास प्रथा की समाप्ति की। और हरम दल के प्रभाव से मुक्ति आप पहले भी गुजर चुका है, 1562 में ही। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में, एक साल बाद। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। तो पहले दास प्रथा की समाप्ति, हरम दल का समाप्त होना, और फिर तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया, इस तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया को समाप्त किया अकबर ने। सबसे पहले दास प्रथा, क्योंकि दास प्रथा को समाप्त करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ कहां पर किया गया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, आगरा में किया गया। जहांगीर ने अर्जुन देव की को फांसी दिया था, जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी क्यों दिया? खुसरू की सहायता करने के कारण, सहायता करने के आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी।
जहांगीर यानी सलीम ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई, अबुल फजल की आपको